नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि दोस्तों आप अपने पिक्सल लैब के अंदर अपने हिसाब से फॉन्ट को कैसे ऐड कर सकते हैं। दोस्तों आपको पता ही होगा कि पिक्सल लैब के अंदर यहां पर आपको 10 या 15 आपको फॉन्ट मिल जाते हैं। और दोस्तों अगर आपको एक अट्रैक्टिव थंबनेल या फिर लोगो या फिर कुछ भी बैनर आदि को भी आपको अट्रैक्टर बनाना है तो दोस्तों उसके लिए आपको अच्छे अच्छे यहाँ पर फॉन्ट की जरूरत पड़ती है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप यहाँ पर अपने हिसाब से यहाँ पर डिजाइन वाले फॉन्ट पिक्सल लैब के अंदर कैसे ऐड कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, प्लीज़ वीडियो को एंड तक देख लेना। और दोस्तों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ और वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी और सेलेक्ट कर देना क्योंकि ऐसी वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलती रहती है। चलो दोस्तों बिना किसी देरी के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को स्टार्ट कर। दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है मैं आपको पहले करके दिखा देता हूँ कि मैंने पिक्सल लैब के अंदर क्या क्या फॉन्ट है वो ऐड किए हुए हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने यहाँ पर ये लिया और यहाँ पर अगर मैं आपको कोई टेक्स्ट एडिट करके दिखा देता हूँ, दोस्तों जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। और मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे पास कितने सारे फॉन्ट हैं। तो मैं यहाँ पर ए बी फॉन्ट पर गया, माई फॉन्ट पर गया और आप देख सकते हैं दोस्तों मेरे पास कितने सारे फॉन्ट हैं। ये बोर्ड डिज़ाइन वगैरह दोस्तों मेरे पास ये फॉन्ट है। तो मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप ऐसे ऐसे फॉन्ट अपनी वीडियो के अंदर कैसे ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे ऐसे फॉन्ट आपको ऐड करने के लिए आपको सिंपली से बैक चले जाना है और यहाँ से आपको अपने गूगल को ओपन कर लेना है दोस्तों। और गूगल को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको लिख देना है बी फॉन्ट्स, ये लिखकर आपको सर्च कर देना है और पहली वेबसाइट पर आपको क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस है वो आ जाएगा। यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे फॉन्ट हैं वो आ जाएंगे दोस्तों, इनमें से आप कोई भी जो भी फॉन्ट आपको अच्छा लगता हो यहाँ पर यहाँ से डाउनलोड करके और वहाँ पर पिक्सल लैब में आपको कैश ऐड करना है, मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि मुझे ये मोन्ट्रा फॉन्ट है वो ये वाला फॉन्ट मुझे ऐड करना है। और यहाँ पर आपको कोई ऐड दिखाई जाएगी उसको आपको सिंपली से कट कर देना है, पीछे चले जाना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा डाउनलोड का। डाउनलोड के ऑप्शन पर सिंपली से क्लिक आपको कर देना है और अब आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस है वो आ जाएगा। आप देख सकते हैं दोस्तों कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा। डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर 5 सेकंड तक वेट करना है और 5 सेकंड तक वेट करने के बाद दोस्तों आपकी जो डाउनलोड है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर स्टार्ट है वो हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ आपको यहाँ पर ऐड कैसे करना है। मैं सिंपली से बैक चले जाता हूँ और यहाँ पर मैं चले जाता हूँ फाइल मैनेजर के अंदर। तो दोस्तों अब मैं यहाँ पर फाइल मैनेजर के अंदर चला जाता हूँ, यहाँ पर आ जाता हूँ फाइल मैनेजर के अंदर और इसको मैं सिंपली से ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा डाउनलोड का, आपको सिंपली से डाउनलोड कर देना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको फॉन्ट्स का ऑप्शन आपको दिखाई दे जाएगा, इस पर आपको सिंपली से क्लिक कर देना है। ऑफ वाला फॉन्ट देख लेना है जो कि आपने अभी डाउनलोड किया है, आपको सिंपली से ऑल पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर देख लेना है कि आपने जो फॉन्ट है वो डाउनलोड किया हुआ यहाँ पर किस में आपको मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको वो नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पर इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाएगा, इस पर आपको सिंपली है डाउनलोड पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको दोस्तों वो देखने को मिल जाएगा लेना है। तो मैं यहाँ पर वो दिखा देता हूँ आपको मैंने कौन सा फॉन्ट यहाँ पर डाउनलोड किया था। यहाँ पर आपको जस्ट नाउ लिखा मिल जाएगा, उसको आपको यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा तभी दोस्तों वो आपका वर्क कर पाएगा। तो दोस्तों मैं जल्दी से उसको ढूंढ लेता हूँ, उसको वाले फॉन्ट को जो कि हमने अभी यहाँ पर डाउनलोड किया है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा आ गया है मोन्ट्रा फ्री पर्सनल यूएसजी जिप। दोस्तों ये अभी जिप में है, आपको सिंपली से इस पर क्लिक करना है, एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन आ जाएगा, आपको यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर लेना है दोस्तों और ये आपको लिखा मिल जाएगा दिस विल टेक ए फ्यू मोमेंट, आपको थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा दोस्तों। और वेट करने के बाद आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं डन का ऑप्शन आ जाएगा, डन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपको सिंपली से चले जाना है अपने पिक्सल लैब के अंदर। तो दोस्तों पिक्सल लैब के अंदर जाने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा और यहाँ पर आपको ए पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको अपने ए बी फॉन्ट के अंदर चले जाना है और माई फॉन्ट पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको टेक्स्ट प्लस का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पर आपको सिंपली से क्लिक कर देना है, डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा मोन्ट्रा फ्री पर्सनल यूज, इस पर आपको सिंपली से क्लिक कर देना है और पहले वाले पर क्लिक कर आपको यहाँ पर ऐड सेलेक्ट पर क्लिक कर देना है। और दोस्तों अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो यहाँ पर ऐड हुआ या नहीं।
तो देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पर लिखा मोन्ट्रा और यहाँ पर आप देख सकते हैं मोन्ट्रा फ्री पर्सनल यूज, ये वाला यहाँ पर टेक्स्ट ऐड हो गया। तो दोस्तों ये छोटी सी वीडियो थी, अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऊपर सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलती रहती है। चलो दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।